हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम करने वाले बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट विश्वकर्मा आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज का रिव्यू, जिसमें हम उसका नैक ग्रेड देखेंगे, इनटेक कितने है, उसके बाद हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं और फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी बातें आज हम जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहता। तो जनरल इंफॉर्मेशन से शुरू करते, तो कॉलेज का नाम जो विश्वकर्मा आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है, और ये कॉलेज बना था 2007 में, नया नया कॉलेज है पर अच्छा कॉलेज है। उसका अफिलिएशन आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था। तो जो एड्रेस है इसका, तो वो है कोंडावा बुद्रुक पुणे, कॉरपोरेशन एरिया में आता है कोंडावा में। तो इनका वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। और ये अनएडेड है, यूनिवर्सिटी एडेड कॉलेज है, नॉन ऑटोनोमस में आता है और नॉन माइनॉरिटी में आता है। उसके बाद अगर इसके कोर्स अपीलेशन देखोगे तो यूनिवर्सिटी का अपीलेशन जो है वो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है इससे, और इसका जो नैक ग्रेड है वो B+ है। B+ अच्छा नैक ग्रेड माना जाता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, कंप्यूटर लैब वो भी बहुत अच्छे है। और हॉस्टल देखोगे तो यहाँ पे बॉयज के लिए 150 सीट्स है हॉस्टल में, बाद गर्ल के लिए भी 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हॉस्टल के लिए। बाद कोर्स और उनके इनटेक देखोगे तो जो BSc कंप्यूटर साइंस है उसके लिए 176 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और MSc कंप्यूटर साइंस के लिए 66 है। तो बाद MSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 66 है, और उसके बाद जो BBSc है होता है BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए 177 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये 2022-23 के एडमिशन कितने हुई, ये टोटल सीट्स है उसमें से इतने एडमिशन हुए लगभग, तो ये होता है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 80,000 से लेके 2 लाख तक जाता है पर ईयर का फीस होता है, और ये कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, उसकी वजह से भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, और कोई और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप वो भी उसका नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर भी रिव्यू जो है ला दूंगा आपके लिए।